नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगले 3 दिन की। ठीक है, अगले 3 दिन आपके पर्सन क्या सोचेंगे, क्या उनकी फीलिंग्स रहेंगी, क्या उनके थॉट्स रहेंगे, क्या उनके इंटेंशन रहेंगे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और क्या कुछ बदलाव आ सकता है इस रिश्ते में। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, ज़रा भी नहीं भूलना है। ठीक है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, फटाफट लाइक कर देना है आपको। ठीक है, बस बस गाइड कीजिएगा। क्या बात, बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं आपके पर्सन। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जाइज, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन को कोई कोई टेंशन हो सकती है। अगले 3 दिन इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए बहुत दिल तड़पेगा। कुछ बातें इस इंसान को रोक सकती हैं, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। जिस तरह से आप एनर्जाइज हैं, ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ झूठ बोला है आपके साथ पास्ट में। ठीक है, और वो बातें सारी याद आने वाली है इस इंसान को। पर रुकावटें भी दिखाई दे रही हैं और उन रुकावटें के ऊपर मात करके आपके पर्सन इस रिश्ते में कंप्लीशन लेकर आना चाहते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि चाहे इनके घर वाले रोक रहे हो, ठीक है, कुछ तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान के झूठ की वजह से बातें ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। इस इंसान ने जो झूठ बोले, इस इंसान को खुद समझ में आएगा कि उसने खुद झूठ बोलकर इस बातों को बहुत बड़ा बनाया है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कोई छोटी सी बात हो गई, कोई झगड़े हो गए, तो इस इंसान ने झूठ बोल बोल कर उस बात को बहुत बड़ा बना दिया। यूँ कहते ना, राई का पहाड़ बना देना। ठीक है, कुछ लोग आप ऐसे कि इस इंसान को जो इसने हरकतें की है, ठीक है, जो उठपटांग हरकतें की है, उसका रिग्रेट बहुत होगा। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी यहाँ पर है और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, ओवर थिंकिंग आपके पर्सन बहुत करने वाले हैं कि क्या आप उसको सच में आज भी चाहते हो, नहीं चाहते हो, कोई तो परीक्षा ले सकते हैं आपके पर्सन। और खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि जो ये इंसान आपकी परीक्षा लेगा, आप उसमें पास होने वाले हो। ठीक है, ये बड़ी यहाँ पर गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है कि अगर इस इंसान ने कोई परीक्षा भी ली आपकी, तो आप उसमें पास होने वाले हो। इस रिश्ते में कंप्लीशन लेकर आने वाले हैं आपके पर्सन। पहले वो इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या चाहते हो, आपके दिल में क्या है, क्या आज भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है, नहीं है। ठीक है, कुछ टटोलने की जैसे कि ये इंसान कोशिश करेगा आपकी मन की बातों को, कि आखिर आप चाहते क्या हो। चाहे जो भी प्रॉब्लम है, अब वो किसी भी प्रॉब्लम की परवाह नहीं करेंगे। नो डाउट कि उसने झूठ बोला है, ठीक है, कुछ तो झूठ भी बोला गया है आपके साथ, लेकिन इंसान दिल का अच्छा है। बात यह है कि इंसान दूसरों की बातों में बड़ा जल्दी आ जाता है। कोई इसको कान अगर भरता है ना इसके, तो जल्दी ये उनकी बातों में आ जाता है और फिर बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, दिल का ये इंसान बुरा नहीं है, लेकिन दूसरों की बातों में आकर इसने शायद आपसे दूरियां बना ली, आपसे झूठ बोला, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया, कुछ बदनाम किया आपको। इस इंसान ने उन लोगों पर ट्रस्ट किया, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि दिल का बुरा नहीं है, लेकिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करता है, जो कि इस रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए आपका जो पर्सन है बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, और प्रॉब्लम यह है कि इंसान डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, और जो इंसान डिसिप्लिन नहीं है, तो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आपका पर्सन। किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि कमी हमेशा इस इंसान के भीतर रही है और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा है। गलतियाँ इसने कर दी, भुगतना आपको पड़ा। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि इसकी खुद की गलतियों की वजह से आपने बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया है, ठीक है, और फिर भी आप इसके ऊपर नाराज़ नहीं हो, फिर भी आप इसका इंतज़ार कर रहे हो। कितना कितना दिल बड़ा है आपका, पता नहीं इसको इतनी जल्दी क्यों है जीतने की, आगे बढ़ने की, इसको सबको पीछे छोड़ना। बहुत जल्दबाजी है इसके अंदर, इसको ज़रा भी धैर्य नहीं है। ठीक है, तो ये जो जल्दबाजी करता है ना, उसमें बहुत गलतियाँ करता है और ये खुद गलतियाँ करता है और उसकी तकलीफ, उसका दर्द, उसकी पीड़ा आपको झेलनी पड़ती है। ये यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है। कंप्लेशन डेफिनेटली आएगा आपके पर्सन की तरफ से, आपको कोई बहुत ही इमोशनल ऑफर भी मिल सकती है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी है यहाँ पर,
और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। यहाँ पर देखो इसके हाथों में गुलाब है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने जो गलतियाँ की हैं, आपके पर्सन ऐसा चाहेंगे कि आप उन सारी गलतियों को भूल भाल कर उनको एक मौका दे। चाहे वो बात करे ना करे, उनके दिल में उनके जहन में ये बात तो चलेगी कि उनको एक दूसरा मौका मिलना चाहिए खुद को साबित करने के लिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पर बिल्कुल सारे प्रॉब्लम खत्म होने वाले हैं, कुछ भी नहीं ऐसा टेंशन रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम्स आएंगे और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम को आपके पर्सन ठीक तरीके से हैंडल कर पाएंगे। बातें छुपाने की आदत इस इंसान को हो सकती है, ठीक है, और दूसरों की बातों में आकर के इंसान खुद की आंखों पर पट्टी बांध लेता है। इसको अपनी आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है, इसको सच्चाई देखना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान पूरी सच्चाई देखेगा तो इसको समझ में आएगा कि एक्चुअल है क्या, चल क्या रहा है, और इसके आंखों पर जो पट्टी है इसी वजह से शायद ये इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा या कोई आपकी परीक्षा ले सकता है। और आखिर में आप जीतने वाले हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेड रोज दिया हो आपके पर्सन ने कभी, या अभी वो देना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। और ये जो रेड रोज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे कि एक होप है कि रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत आगे ये रिश्ता जाने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हो, अगले 3 दिन आपको कुछ क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है, ये इंसान क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, या अगर इस रिश्ते में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कोई फैमिली इशू रहा है, तो कोई दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। ऐसी बातें भी आपको सुननी पड़ सकती है जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। कोई लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, या खुद ये इंसान आपको क्रिटिसाइज़ कर सकता है, किसी के साथ ये रेजोनेट करेगा। कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो आपकी गलती भी नहीं है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है गाइस, फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं अगले 3 दिन क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने कोशिश की होगी पास्ट में भी आपसे बात करने की, किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा गाइस कि कोई घर वालों का इशू हो सकता है। कभी कभी इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप शायद उनके डेस्टिनी में नहीं हो, ठीक है। ये जब ऐसे इंसान को फील होता है ना, तो बड़ा दुख होता है इस इंसान को। अगले 3 दिन आपके पर्सन को कुछ ऐसा फील हो सकता है कि पता नहीं आप उनके डेस्टिनी में हो नहीं हो। कुछ निगेटिव थॉट्स भी आपके पर्सन के मन में आ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि उनका कोई फैमिली इशू है, डेफिनेटली अगले 3 दिन आपके पर्सन अपने फैमिली इशू के बारे में बहुत गहराई से सोचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी भी बात है कि वो जो भी प्रॉब्लम आएंगे उस प्रॉब्लम्स के ऊपर मात करने वाले हैं आपके पर्सन। बहुत अट्रैक्शन भी बढ़ेगा आपके पर्सन का आपके लिए, और जैसे कि इस इंसान को ऐसा फील होगा कि बस अब बहुत हो गया, अब ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो भी मुसीबत है या जो ऑब्स्टिकल्स है, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। आपके पर्सन आपको बहुत मिस करने वाले हैं अगले 3 दिन। जैसे कि किसी के साथ रिजल्ट होगा कि अपने इंसान सपोर्ट किया है अपने इंसान का, किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि आपके पर्सन की कोई हेल्थ खराब थी। अगर ऐसा कुछ है, कोई छोटी सी बात, कुछ इशू अगर चल रहा था हेल्थ इशू, तो उसमें से आपके पर्सन को राहत मिलेगी और आपके पर्सन अच्छा फील करेंगे हेल्थ को लेकर, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि देखो यहाँ पर कंप्लीशन, डेफिनेटली यहाँ पर भी कंप्लीशन की एनर्जी आई है, और जब हमने कार्ड निकाले तो वहाँ पर भी कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर आई है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि जो कब से आप नो कांटेक्ट में चल रहे थे, तो आप कांटेक्ट में आ जाओगे, और जो लोग कांटेक्ट में है ना, वो रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। कंप्लीशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आपको ऐसा डर लगता था कि इस रिश्ते में कंप्लीशन नहीं आ रहा है, पता नहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, अगर किसी ऐसे डर में आप कब से थे, ये आपका डर जहन से निकल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ ये इंसान आपके लिए फील करता है और ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता है, ये बात आपके समझ में आएगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते में बर्दाश्त किया है, और जैसे मैंने पहले बोला ना कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि आपको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, चाहे वो इस इंसान की तरफ से हो, चाहे उनके घर वालों की तरफ से हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि कुछ झेलना पड़ सकता है ऐसा क्रिटिसिज्म, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको मैच्योर होना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ज़रा चाइल्डिश हो, समझ नहीं पाते हो सामने वाले का, उसका इरादा क्या है आप समझ नहीं पाते हो, और फिर खुद ही आप खुद का नुकसान कर देते हो। अगर ऐसा कुछ है तो अब आपको समझना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जाई है ना गाइस, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिस दिन का जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे थे,
वो दिन जैसे कि आने वाला है, ये इंसान आपसे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव और कुछ लोगों के लिए निगेटिव हो सकता है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि कोई जैसे परीक्षा ले सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि बात तो हो सकती है लेकिन वो निगेटिव तरीके से भी हो सकती है, वो पॉजिटिव तरीके से भी हो सकते हैं। दोनों ऐसे यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि इस इंसान ने जो झूठ बोला है ना, उसकी वजह से शायद आप नाराज हो सकते हो। किसी किसी के लिए आपकी आंखें बड़ी सुंदर हो सकती हैं। किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि इस इंसान को ऐसा फील होगा कि जब से आप उनकी जिंदगी से चले गए हो, जैसे कि गुड लक ही गायब हो गया और वो गुड लक वापस लेकर आना चाहते हैं, वो आपको अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं। कोडिपेंडेंसी हो सकते हैं और वो आपकी तरफ से हो सकते हैं। हो सकती है आप इमोशनली डिपेंड हो इस इंसान की तरफ। जैसे कि यहाँ पर देखो ये कैंडल कैसे, यहाँ पर ऐसे कि जैसे आप डिपेंड हो इस इंसान के ऊपर इमोशनली। कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं, कोई यहाँ पर एक डक भी नजर आ रहा है, ठीक है। किसी के साथ रिजल्ट होगा कोई बिट्रेल। अगर ऐसा कुछ रहा है ना गाइस, अगर आपके साथ धोखा हुआ है ना पास्ट में, तो सोच समझ कर आपको इस इंसान के ऊपर अगर ट्रस्ट भी करना है तो ज़रा सोचना पड़ेगा। किसी किसी के लिए बिट्रेल हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि जैसे ये एनर्जी आ रही है। बदक कैसे होता है, डक पानी के अंदर कितनी कितनी उसकी हलचल होती है, ठीक है। लेकिन पानी के ऊपर से अगर उसको देखा जाए तो कैसे शांत दिखाई देता है, और नीचे वो चलता रहता है ना पानी के अंदर, तो कितनी ज़्यादा हलचल होती है और ऊपर से शांत दिखाई देता है। बस वैसे ही कि अगले 3 दिन आपके पर्सन भी दिल में तूफान होगा, लेकिन जैसे कि शांत दिखाई देंगे, सोचेंगे गंभीरता से सोचेंगे। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन को फ्रूट्स बहुत पसंद हो सकते हैं या आपको फ्रूट्स बहुत पसंद हो सकते हैं। इमोशनली आप एक दूसरे को बहुत फील करने वाले हो। जो लोग आप ऐसे कि जैसे बिट्रेल की जो एनर्जी आई है या बहुत ज़्यादा झूठ अगर बोला गया है, तो अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है, नहीं देनी है, ठीक है। अब आपको सोचना होगा कि क्या इस इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या माफ़ करने लायक इसकी हरकतें हैं, नहीं है, ये अब आपको सोचना पड़ेगा। जो लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ धोखा हुआ है या आपको ऐसा लगता है कि इसने कोई झूठ बोला है, बातें छुपाई है, धोखा दिया है, तो अब ये आपको सोचना पड़ेगा क्या आप अभी भी इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो सोचने पर आपको मजबूर कर सकते हैं कुछ बातें। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं कि अगले 3 दिन कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि आपको सोचने पर मजबूर करें। बहुत बड़े पैमाने पर चेंज बदलाव आ सकता है, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा ऐसा। इमोशनली तो आप भी बहुत फील करने वाले हो इस इंसान को, सिर्फ ये इंसान ही, आप भी बहुत फील करोगे इमोशनली। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको ट्रस्ट नहीं होगा, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको पूरी तरह से भरोसा हो जाएगा कि ये इंसान अब रेडी है कमिटमेंट के लिए, यूनियन के लिए। जो भी गलतफहमी अगर हुई है, अगर प्रॉब्लम हुए हैं, तो वो उनको सुलझाने के लिए आपसे बात कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश वो कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप बहुत अकेले पड़ गए हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको ज़रूरत है अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने की, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं रात को आपको नींद नहीं आती हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नंबर 26 खास हो सकता है, 2 और 6 नंबर यहाँ पर है। आपको नेचर की तरफ से कुछ साइन मिल सकते हैं आने वाले समय में, या हो सकते हैं ऑलरेडी आपको साइन मिल रहे हैं। कुछ पक्षियों की आवाज़ आ रही है, या कुछ फेदर वगैरह दिखाई दे रहे हो, कुछ नेचर आपको साइन दे रहे हैं जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। हो सकता है कि आप बहुत दुखी रहते हो, हो सकता है कि आप कब से, मतलब ये होता ना कि खुलकर हंसे भी नहीं हो, कोई दर्द आपके दिल में बैठा है, कोई कोई ऐसी बात है जो आपके दिल पर बहुत लगी है, और उसके बाद जैसे कि, मतलब ऐसा नहीं कि आप मुस्कुराते नहीं हो, मुस्कुराते आप हो, लेकिन ऊपर ऊपर दिल से जो मुस्कुराना कहते हैं ना, ऐसे कभी आप हंसते नहीं हो, ऊपर ऊपर स्माइल कर देते हो, या दूसरों को दिखाने के लिए आप खुश रहते हो, लेकिन अंदर से आप दुखी हो, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। जिस तरह से आप एनर्जी है कि आपको बताया जा रहा है कि अब आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, चाहे आपके लाइफ में कोई छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, या आप खुद भी हो सकते हो जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, खुद की केयर नहीं कर रहे हो। आपके लाइफ में कोई छोटी छोटी बातें ऐसी हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, लेकिन आप उन बातों को इग्नोर करे जा रहे हो।
ऐसे लोग यहाँ पर हैं कि आपके लाइफ में कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि अगर आप उनके ऊपर ध्यान दोगे, अगर आप उनके ऊपर फोकस करोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुश रहे, आप हैप्पी रहे, आपको पीस मिले। हमेशा आप दुखी रहते हो, हमेशा मन में एक पीड़ा है आपके, तो लेट गो करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी अब जिसको भूलना आपको बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई बात आपकी बहुत परेशान करे जा रही है। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको फेलियर मिला है, या कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप हार चुके हो, ठीक है। या फिर भी अगर आप हार भी गए हो तो भी आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसी बैटल का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर आप हार चुके हो। और ऐसा नहीं कि ये हार ही सब कुछ है। कहीं पर भी एक जगह पर अगर आप हार गए हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप हार चुके हो तो अब लड़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ऐसी बैटल का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर आप ऑलरेडी हार चुके हो। लाइफ में जीतने के लिए बहुत कुछ है, और जैसे ही इस चैलेंजेस का एंड होगा, एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगी, और वो बहुत ब्राइट होगी, बहुत ज़्यादा ब्राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हार गए हो, अगर आपको दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा आपसे सही भी नहीं जा रही है, क्योंकि ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि वो पीड़ा आपसे सही नहीं जा रही है, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि कोई बात ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और अब आपको ऐसा लगता है कि अब आप क्या करें, अब तो आप हार गए हो। तो ये पीड़ा, ये तकलीफ़ आपको जीने नहीं दे रही है। आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। कहीं एक जगह पर आप हारे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। नहीं, जीतने के लिए लाइफ में बहुत कुछ है, और जैसे ही चैलेंजेस ख़त्म होते हैं, एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका रहेगा। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होने वाली है। जो भी चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो वो बातें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, तो अब आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये बातें जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, जो भी अगेंस्ट जा रही है बातें, देखो कभी कभी कुछ बुरा होता है ना, तो वो भी आपके भले के लिए होता है, ठीक है। कभी कभी बुरे में से कुछ अच्छा निकल कर आता है। या आपको ऐसा अभी लगता होगा कि आपके लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ है, या आपके साथ धोखा हुआ है, तो आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ये होना कितना ज़रूरी था, और तब आप मुस्कुराओगे। आज भले आप रो रहे हो, आज भले आप तड़प रहे हो, बेचैन हो रहे हो, ठीक है, ये हार आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन ये हार भी ज़रूरी थी। हमेशा ज़िंदगी में जीतना ही ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ज़िंदगी में हारना भी बहुत ज़रूरी है, और ये हार आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो अब आप जहाँ पर भी हो, वहीं पर आपको पीस ढूंढना है। अब जिस भी हाल में हो, जैसे भी हो, अब उसी में पीस लेकर आना है कि ठीक है, अब आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, अब आपको वहीं पर, उसी प्लेस पर, उसी जगह पर पीस लेकर आना है। अब कुछ नहीं कर सकते। अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हो, खुद को हील कर सकते हो, और जो भी चैलेंजेस है उसके लिए तैयार कर सकते हो खुद को। और ज़रूरी नहीं कि अभी आपको फेलियर मिला है इसका मतलब आगे भी आपको फेलियर मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी चैलेंजेस है, ये ख़त्म होने वाले हैं और एक न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।